फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे क्या GTA 6 के ट्रेलर 2 का रिलीज डेट 16 मई को है। फिर बात करेंगे गेमिंग इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े हैक के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है, माफिया 4 की नई इन्फॉर्मेशन एंड बिगेस्ट हैक क्रिएटर की बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इसी बात पे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीक की ही बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो MKBSD जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और रिलायबल टेक चैनल है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था द वर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर रिव्यूड। बेसिकली इस वीडियो में उन्होंने ह्यूमन AI का एक प्रोडक्ट AI पिन को रिव्यू किया था। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते तो ये बेसिकली एक वेरेबल डिवाइस है, जैसे कि हमारे पास स्मार्टफोन्स होते हैं, फिटनेस ट्रैकर होता है, वेरेबल वॉचेस होते हैं, वैसे ही इस कंपनी ने एक वेरेबल AI असिस्टेंट बनाया है जो कि आपकी बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। जैसे कि आपके सामने कोई चीज रखी हो तो आप इसे स्कैन करके पूछ सकते हो उसके बारे में। फिर इसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्टर भी लगा है जो कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पाम पे ही दिखा देगा। एंड उसके अलावा ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, मतलब कि आपको अपना मोबाइल फोन इसमें कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा एंड तब भी ये चलेगा। तो MKBSD ने बताया कि उन्हें ये प्रोडक्ट फेल लगता है, कुछ रीजंस भी बताया उन्होंने, जैसे कि इसका $700 का प्राइस टैग, फिर इसके सर्विसेज को यूज करने के लिए $24 मंथली देने होंगे। लेकिन जब उन्होंने इसे स्मार्टफोन से कंपेयर किया तो AI पिन का रिस्पॉन्स काफी लेट था एंड क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉइंट पे तो AI पिन का कोई भी यूज नहीं है, जबकि इस कंपनी ने लॉन्च से पहले बोला था कि ये मोबाइल फोन्स को रिप्लेस कर देगा। लेकिन इस क्लिप में क्या हुआ ये आप खुद ही देखो। Look and tell me what this is. Or I'll just do this, I guess. Ah. It's a Cybertruck. The photo is of a Cybertruck, an electric pickup truck produced by Tesla. Yep. तो इस रिव्यू के बाद हुआ ये कि कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं एंड MKBSD के वीडियो के बाद अब कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो बैंकरप्सी भी फाइल कर सकते हैं। कंपनी के लोगों ने तो ये बोला कि ये सब बहुत बड़ी साजिश है और ये बहुत ज्यादा हार्श रिव्यू था MKBSD की तरफ से। एंड ऐसा नहीं है कि MKBSD को क्रिटिसिज्म नहीं मिला, उन्हें भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला अपने ही व्यूअर्स से, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि उनकी रीच कुछ ज्यादा ही है एंड अगर एक वीडियो से किसी कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है तो उन्हें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। तो इस पे MKBSD ने और वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बोला कि मैं हमेशा से एक ऑनेस्ट रिव्यूअर रहा हूं एंड मुझे जो AI पिन के बारे में लगा वो मैंने बोल दिया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बैड रिव्यूज से कुछ नहीं होता अनलेस प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट ही यूजलेस है तो अच्छे रिव्यूज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड इसके बाद से तो ज्यादा अपडेट्स आया नहीं है, AI पिन को भी भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि उनका प्रोडक्ट इस पॉइंट पे स्मार्टफोन से कंपेरेबल तो नहीं है। और अगर ऐसे अनफिनिश्ड स्टेट में डिवाइस को लॉन्च करना ही था तो आखिर इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस क्यों किए गए पहले। वेल, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा क्योंकि ये यहाँ पर तो खत्म नहीं होने वाला। एंड गाइस, क्या आपको गेम पास, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन फ्री में लेना है? वेल, मुझे एक ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है हनी गेन, जो कि आपके इंटरनेट के बदले पैसे देता है। आपको बस इसे डाउनलोड करके रन होने देना है PC में। हाँ, सुनकर तो फिशी लगता है लेकिन ये ऐप लेजिट है, आपका डेटा सेल नहीं करता बल्कि आपका इंटरनेट रेंट पर देता है, जिससे दूसरे वेबसाइट्स को तो फायदा होता ही है लेकिन उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है, वो भी बिना कुछ किए, बस ऐप को बैकग्राउंड में रन होने दो। हाँ, ये ऐप आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगा लेकिन आप गेम पास जैसे सब्सक्रिप्शंस ले पाओगे इससे। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो उनके अर्निंग्स का भी 10% मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से साइन अप करते हो और कोड एक्सप्रेस यूज करते हो तो आपको $3 मिलेंगे अकाउंट में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और हनी गेन को डाउनलोड करो। एंड गाइस, फाइनली इट्स ऑफिशियल नाउ। टेक टू इंटरएक्टिव ने अनाउंस कर दिया है कि मई 16 को अर्निंग कॉल्स होने वाले हैं। तो अगर हमें GTA 6 का सेकंड ट्रेलर या फिर स्क्रीनशॉट्स देखने मिलने वाले हैं तो ये सब अर्निंग कॉल्स के एक वीक पहले ही पता चल जाएगा। फिर एक यूजर है ट्विटर पर जिसका नाम है जोकर फ्रॉम GTA 6, इसने बोला है कि GTA 6 का सेकंड ट्रेलर April 24 को आएगा, मतलब कि आज 20th है तो यानी कि 4 दिन बाद GTA 6 का सेकंड ट्रेलर आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि भाई इसे ये ज्ञान किसने दिया, लेकिन अगर ऐसा होने वाला होता ना तो रॉकस्टार गेम्स पहले काउंटडाउन लाते और 2 हफ्ते पहले ही अनाउंसमेंट कर देते, क्योंकि GTA 6 का ट्रेलर ऐसे रैंडमली बिना अनाउंस किए तो शायद ही कभी रिवील। तो मोस्ट प्रोबेबली 24th अप्रैल को कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इसकी बातों पे मत जाना। ये सब मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है एंड मुझे बहुत से लोगों ने DM भी किया। अब टेक टू इंटरएक्टिव की तरफ से एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है। एक रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने अपने 5% स्टाफ को काम से निकाल दिया है और उन्होंने अपने कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को कैंसिल भी कर दिया ताकि वो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाए। ये डिसीजन काफी शॉकिंग था क्योंकि आजकल जहां देखो वहां लेऑफ्स हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले जब स्ट्राउस ज़ेल्निक से पूछा गया था कि क्या वो लेऑफ्स प्लान कर रहे हैं तो उन्होंने कह दिया था कि उनके कंपनी में कोई भी लेऑफ्स नहीं होने वाले, लेकिन अब देखो
इतने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया इन्होंने कंपनी से, और इन्हें तो कॉस्ट कटिंग के लिए निकाला गया ना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने 460 मिलियन डॉलर्स में गियरबॉक्स को एक्वायर किया है, वही कंपनी जिन्होंने बॉर्डरलैंड जैसे गेम्स बनाए। तो अब पता नहीं इस पे क्या ही बोलना सही होगा। फिर एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है माफिया 4 के रिलीज से रिलेटेड। एक इनसाइडर है ट्विटर पर जिसका नाम है क्यूरासिस, एंड ये काफी लेजिट है, इसने पहले भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसने बताया कि माफिया सीरीज की एक नई अनाउंसमेंट होने वाली है टेक टू इंटरेक्टिव की तरफ से। अब ऐसे टाइम फ्रेम तो बताना मुश्किल है, लेकिन लीगर ने बताया कि 3-4 वीक्स के अंदर कोई ना कोई अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इनसाइडर को भी नहीं पता कि ये माफिया 4 होगा या फिर किसी पुराने गेम का रीमास्टर या फिर रीमेक। लेकिन अगर हम एक एजुकेटेड गेस ले तो कुछ सालों पहले की ही बात है, माफिया 1 का रीमेक रिलीज किया गया था, एंड उस गेम को लॉन्च करने के लिए माफिया 2 एंड माफिया 3 का डेफिनेटिव एडिशन भी लाया गया था, एंड इन तीनों को साथ में बंडल करके बेचा जा रहा था ताकि माफिया 1 को अच्छे से सेल किया जा सके। तो कम्युनिटी में किसी को भी नहीं लगता कि ये जो नेक्स्ट माफिया है ये कोई रीमास्टर या फिर रीमेक होगा, क्योंकि माफिया 2 एंड माफिया 3 का तो ऑलरेडी रीमास्टर आ चुका है, एंड माफिया 1 का तो प्रॉपर रीमेक रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है माफिया 4। तो देखते हैं हमें नेक्स्ट मंथ तक माफिया 4 देखने मिलता है या फिर नहीं। बाकी माफिया फ्रेंचाइज भी टेक टू इंटरेक्टिव के ही अंडर में आता है, मतलब माफिया गेम्स के डेवलपर 2K गेम्स एंड रॉकस्टार गेम्स, इन दोनों की पेरेंट कंपनी टेक टू इंटरेक्टिव ही है। फिर अगर आप किसी थर्ड पार्टी या फिर पीसी का एक्सटेंशन यूज करते हो एड ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब पे, तो ये सब कुछ बहुत ही जल्द डेड होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब ने बोल दिया है कि वो एड ब्लॉकर्स अलाउ नहीं करेंगे। और अगर आपका एड ब्लॉकर डिटेक्ट होता है तो यूट्यूब पे ऐसी वार्निंग शो होगी जिसमें बोला गया है कि आप यूट्यूब प्रीमियम बाय करो या फिर एड देखो। एंड ये सब थर्ड पार्टी एप्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अब मैं उन एप्स का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी यूट्यूब ने बोला है कि एड ब्लॉकर्स की वजह से एडवर्टाइजर्स, यूट्यूबर्स एंड यूट्यूब सबका नुकसान होता है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम ही एड रिवेन्यू है, तो एड ब्लॉकर यूज नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे एड ब्लॉकर यूज करते हो तो आपको ऐसे पॉपअप्स आए या फिर नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर भाई निंटेंडो तो नहीं सुधरेगा। पहले इन्होंने सबसे पॉपुलर एम्यूलेटर यूजू को बैन किया, उनसे पैसे भी लिए, फिर स्काईलाइन एम्यूलेटर को भी बैन किया जो कि एंड्रॉइड पे स्विच गेम्स चला देता था। यूजू के बैन के बाद डेवलपर्स ने बोला था कि दूसरे लोग हमारे लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यूजू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था तो कोई भी उसे रिक्रिएट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है और सपोर्ट को कंटिन्यू रख सकता है। ऐसे ही सुयू एम्यूलेटर जो कि यूजू पर ही बेस्ड था, जो कि यूजू एम्यूलेटर के जाने के बाद पॉपुलर हो गया था, लेकिन अब उसे भी निंटेंडो ने टेक डाउन कर दिया है, एंड जितने भी डेवलपर सुयू एम्यूलेटर पे काम कर रहे थे उन सभी ने क्विट कर दिया है लीगल रिस्क की वजह से। तो अभी सिर्फ एक ही एम्यूलेटर बचा है र्यूजिनिक्स, एंड लोगों को लग रहा है कि कहीं इसे भी निंटेंडो रिमूव ना कर दे। बाकी भाई देखो, सब लोग पायरेसी करने के लिए एम्यूलेशन नहीं करते। मैंने बहुत से निंटेंडो फैंस को देखा है जो कि सिर्फ इसीलिए एम्यूलेट करते हैं क्योंकि उन्हें निंटेंडो स्विच की परफॉर्मेंस और जॉयस्टिक पसंद नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो निंटेंडो के जॉयकॉन्स का साइज बहुत छोटा है और उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इवन दो ये लोग गेम्स को बाय करते थे फिर उसे एक्सट्रैक्ट करके एम्यूलेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये सब निंटेंडो से देखा नहीं गया। भाई क्या ही करे अब इस कंपनी का, अब तो मुझे भी डर लगता है निंटेंडो के न्यूज को कवर करने से। फिर इस वीक की सबसे शॉकिंग न्यूज आई है कि विचर 3 का सोर्स कोड लीक हो चुका है 4chan पे। अगर आपको नहीं पता तो कुछ टाइम पहले की बात है, CD Projekt Red पे एक रैंसम वेयर अटैक हुआ था जिसमें उनका 450 GB का डेटा चोरी हो गया। रैंसम वेयर ग्रुप ने बताया कि उनके पास CD Projekt Red के बहुत से इंपॉर्टेंट फाइल्स आ गए हैं, एंड साथ ही में उन्हें विचर 3 का सोर्स कोड भी मिल चुका है जो कि वो डार्क वेब पे सेल करने वाले। स्लीपिंग कंप्यूटर्स ने बताया कि हैकर्स के पास साइबर पंक 2077 का भी सोर्स कोड आ चुका है। अब ये सब तो थोड़ी पुरानी बात थी, लेकिन अब 4chan पे किसी ने विचर 3 का सोर्स कोड लीक कर दिया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली डार्क वेब से ही बाय किया गया था। सरप्राइजिंगली यहाँ पे ना सिर्फ PS4 एंड PS5 बल्कि Xbox और Nintendo Switch के वर्जन भी लीक हुए हैं, जिससे कि अगर ये सोर्स कोड किसी को मिल जाता है तो वो विचर 3 का डेवलपर बिल्ड एक्सेस कर सकता है, और सोर्स कोड से क्या क्या किया जा सकता है ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स कोड किसी चाइनीज मोबाइल गेम कंपनी के पास आ जाए और वो विचर 3 का एक अल्ट्रा चीप कॉपी बना दे फोन के लिए जिसमें ढेर सारे एड्स हों और बहुत सारे इन ऐप परचेजेस के ऑप्शंस। ये सब देखकर ना फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि विचर 3 उनके लिए किसी मास्टरपीस से कम नहीं था। इमेजिन आप अपने लाइफ का काफी बड़ा पार्ट एक पैशन प्रोजेक्ट में लगा देते हो, लेकिन एक दिन कोई चोर आपके घर से उसे उठाकर बाजार में बेच देता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। बाकी हाँ, ये सैड न्यूज थी, बस अच्छी बात ये है कि नए विचर गेम से रिलेटेड कुछ भी लीक नहीं हुआ है। अब लास्ट में बात करते हैं फ्री गेम्स के बारे में जिसे आप इस वीक क्लेम कर सकते हो। तो पहला गेम है द बिग कॉन, एंड दूसरा गेम है द साउंड ऑफ सैलम 2, एंड नेक्स्ट वन हमें पहला फ्री गेम मिलेगा इंडस्ट्रिया, एंड दूसरा गेम है लीसा द डेफिनेटिव एडिशन। तो इन्हें टाइम रहते क्लेम जरूर कर लेना। तो हाँ गाइस, फ्राइडे गेम चेकआउट में आज के लिए बस इतना ही। इनमें से आपको कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा पसंद आई वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।